दोस्तों सब्सक्राइब करिए हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट बाबा चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले न्यू अपडेट वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इस बैक बटन का क्या यूज करते हो, तो जाहिर सी बात है कि आप कहेंगे कि मैं कोई भी एप्लीकेशन यूज करता हूं, जैसे कि यूट्यूब यूज कर रहा हूं तो इस बटन से मैं बैक करता हूं और कुछ नहीं करता। तो जाहिर सी बात है कि यही काम होता है और मैं भी यही सोच रहा था कि मतलब कि इस बटन से सिर्फ कोई भी एप्लीकेशन को हम बैक कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका बहुत सारा काम है, बहुत सारे इसके सीक्रेट ट्रिक्स हैं जिसको अगर आप देखेंगे जानेंगे तो आपके तो होश ही उड़ जाएंगे। तो बहुत ही एक कमाल का ट्रिक मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को ध्यान से शुरू से देखिएगा दोस्तों, तभी जो है इस सीक्रेट बटन को जान सकते हैं, इसका ट्रिक जान पाएंगे। ओके, तो चलिए हम आपको बताते हैं इसी नए और इंटरेस्टिंग ट्रिक के बारे में कि क्या है, कैसा और कैसे सारा चीज जो है वो हम करेंगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं टेक्निकल एक्सपर्ट बाबा यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यहाँ से इस वीडियो को लाइक कर दें, और दोस्तों इसके बगल में एक शेयर का बटन है तो यहाँ से जाकर आप अपने फेसबुक फ्रेंड और व्हाट्सएप पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, ताकि आपके फ्रेंड्स जो हैं वो भी जान सकें। और यहाँ पर दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो यहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इसके बगल में एक छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा एक बेल आइकन है तो इसे भी दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप कभी मिस ना कर पाएँ और सबसे पहले जो है वीडियो देख पाएँ। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आकर एक कमेंट कर देना है, जैसे कि नाइस, ऑसम, या फिर यहाँ पर अपना नाम लिख देना है, ताकि मैं जान सकूँ कि आप जो है हमारा वीडियो देखते हैं, मैं आपका जो है नाम पढ़ सकूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप कुछ भी एक कमेंट कर दें, मैं आप सभी का कमेंट पढ़ता हूँ, उसे लाइक करता हूँ और उसे हट देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ भी एक कमेंट कर दें, तो चलते हम जानते हैं अब उस ट्रिक के बारे में कि क्या है और कैसे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है बैक बटन एनीवेयर। ओके, तो ये एप्लीकेशन आपको कहाँ मिलेगा मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा, पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को सिंपली ओपन कर लेंगे, और ओपन करते के साथ ही कुछ इस तरह से इस एप्लीकेशन का हमारे पास इंटरफेस जो है वो आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं गो टू सेटिंग का एक ऑप्शन है, तो इस पर हम एक बार सिंपली क्लिक कर देंगे, और क्लिक करने के बाद हमें इस एप्लीकेशन को परमिशन दे देना होगा। तो यहाँ पर जो है वो हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो एप्लीकेशन हो यहाँ पर आ गया है बैक बटन एनीवेयर, तो इसे यहाँ से हम जो है वो एनेबल कर देंगे, यहाँ से ऑन कर देंगे। ओके, फिर से यहाँ से ओके करेंगे, और इस एप्लीकेशन को मैंने परमिशन दे दिया, अब हम इसके अंदर इंटर कर गए हैं। अब यहाँ पर आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं सिंगल प्रेस एक्शन। ओके, तो यहाँ पर आप पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि यहाँ पर आपके स्क्रीन पे एक पॉपअप आ जाएगा, तो ये आप कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ पर अपने बैक बटन के ऊपर रख सकते हैं या फिर कहीं पर भी इसे रख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं इसे रख देता हूँ। अब इसे रखने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं सिंगल प्रेस एक्शन। ओके, तो इस पर हम एक बार क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आप इस बटन को एक बार प्रेस करेंगे तो क्या एक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पर आप जो है वो सेलेक्ट कर लें कि आपका क्या होना चाहिए, जैसे कि लॉन्च कैमरा, यानी कि कैमरा ओपन हो जाना चाहिए, बहुत सारे यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाएगा, यहाँ पर टॉगल वाईफाई ऑन ऑफ यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पर मैं कैमरा जो है वो कर देता हूँ। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो उसके नीचे एक ऑप्शन है लॉन्ग प्रेस एक्शन, यानी कि हम इस बटन को लॉन्ग प्रेस किए रहेंगे, देर तक दबाए रहेंगे तो क्या एक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पर वही सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, तो यहाँ पर आप जो है वो सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर आप देख रहे हैं लास्ट में एक ऑप्शन है लॉन्च अदर एप्लीकेशन, तो यहाँ पर जो है वो इस पर क्लिक कर देंगे, और क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन में जितने सारे एप्लीकेशन है ना वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो उसके बाद यहाँ पर आप कोई सा भी सिलेक्ट करते रहें, जैसे कि मतलब कि आप इस बटन को देर तक दबाए रहे हैं तो क्या ओपन होना चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ फेसबुक। ओके, फेसबुक मैंने कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं एनेबल डबल प्रेस, तो इसे यहाँ से आपको ऑन कर देना होगा। ऑन करने के बाद अब इस बटन को दो बार दबाएंगे
तो क्या एक्शन होना चाहिए, तो ये भी आप जो है यहाँ से सेलेक्ट कर लें। यहाँ से कोई एप्लीकेशन ओपन करवाना चाहे तो यहाँ पर उसी में चले जाना है, लॉन्च अदर एप्लीकेशन, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर मेरे फ़ोन का जितने सारे एप्लीकेशन है वो यहाँ पर आ जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं इसे MX Player Pro कर देता हूँ, यहाँ पर मैं दो बार दबाऊँगा तो MX Player जो है वो ओपन हो जाएगा। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है। और मैं आपको इसमें और चीज़ बता दूँ कि इसका जो है, इस बटन का आप जो है वो थीम भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर थीम पे जाएंगे, थीम पे जाने के बाद यहाँ पर देखिए आपको बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर देखिए थीम मिल जा रहा है जो कि आप सेट कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर इसे कर दे रहा हूँ। ओके, अब हम बैक चले आएंगे। अब बैक आने के बाद हमें अब यहाँ पर कुछ करना नहीं है, मैंने इस एप्लीकेशन को परमिशन ये सब सारा चीज़ दे दिया है। अब हम यहाँ पर बैक आ जाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस पॉपअप को कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं इसे एक बार दबाऊंगा तो कैमरा ओपन हो जाएगा। यहाँ देखिए ये जो है हमारा कैमरा ओपन हो जाएगा, ये देखिए हमारा कैमरा ओपन हो गया। ओके, अब उसी तरह से इसे हम दो बार दबाएंगे तो क्या होता है, देखिए यहाँ पर हमारा जो है वो ओपन हो गया MX Player। अब इसी तरह से इसे हम लॉन्ग प्रेस किए रहेंगे, देर तक दबाए रहेंगे तो क्या एक्शन होता है, यहाँ पर मेरा फेसबुक जो है वो ओपन हो गया। तो बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन है, बहुत ही मज़ा आने वाला है इस एप्लीकेशन को यूज कर। अगर दोस्तों आपको ये एप्लीकेशन अच्छा लगा और इसे अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना चाहते हैं, अपने फ़ोन में भी रखना चाहते हैं, तो इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप डायरेक्टली वहाँ से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।